नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। उत्तम किराना मार्ट की सुखदेव नगर स्थित तीसरी ब्रांच को भी अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव ने सील किया। ऑनलाइन डिलीवरी के लिए पास मिला था, ऑनलाइन डिलीवरी के बजाय स्टोर खोलकर बेच रहा था। इंदौर किराना निगम ने डोर टू डोर राशन वितरण करने वाली किराना दुकानों पर ही कार्यवाही कर दी और निगम द्वारा राशन वितरण के लिए की गई व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। किराना दुकान के प्रोपराइटर अजय चौरड़िया की 3 दुकानों को सील किया गया। कर्फ्यू पास का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। ऑर्डर का सामान ही देने और दुकान को खुला रख किराना सामान बेच रहे थे। सर, जो डोर टू डोर जो किराना सामान की अनुमति दी गई थी, इसमें जो उल्लंघन हुआ, किस प्रकार का उल्लंघन करके आज आपने कर रही है? देखिए, जो जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया जाकर इस लॉकडाउन के तारतम्य में कुछ आवश्यक किराना वस्तुओं और आलू प्याज के विक्रय के लिए रिटेल किराना व्यवसायियों को अधिकृत किया गया था, उसके लिए जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा एक कर्फ्यू आदेश में छूट का प्रत्यक्ष आदेश भी जारी किया गया था। उसमें कुछ शर्तें थीं, जिन शर्तों में प्रमुखता ये थी कि किराना व्यापारी जिन्हें अधिकृत किया जाएगा वो कोई दुकान से विक्रय नहीं करेंगे, नगर निगम द्वारा जो ऑर्डर पर्ची कलेक्ट करके उन्हें दी जाएगी उसमें केवल आवश्यक वस्तुएं जो हैं, जो कि 15 आपने पर्ची देखी होगी उसमें 15 आवश्यक वस्तुएं हैं आलू प्याज सहित, उन्हीं किराना सामग्रियों का वितरण किया जाना है। लेकिन देखने में ये आया है कि उस कर्फ्यू में छूट के आदेश के बाद डोर टू डोर किराना व्यापारियों को नगर निगम के द्वारा अधिकृत किया जाकर और जिला प्रशासन द्वारा जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी कर्फ्यू पास उपलब्ध कराए गए थे, जिन पास की सहायता से वो लोग थोक व्यापारियों से माल भी ले पा रहे थे और अपने क्षेत्रों में घर घर उनको ऑर्डर पर्चियों का वितरण करना था।